ओके सबसे पहले जो फ्रूट फ्लाई होती है कोई भी, आपने कभी नोटिस किया है? कभी आप बनाना लेके आओ घर पे, पपाया लेके आओ आप घर पे, कुछ दिन तक आपके अगर जो बनाना है वो आपके किचन में कहीं पड़े रहे तो उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की, रेडिश कलर की एक फ्लाई होती है वो वहां पे आ जाती है। जब पपाया डस्टबिन के पास कभी कभी वो फ्लाई आपको दिखती है। अभी कभी आप मार्केट में बनाना लेने जाओ तो अगर आप देखो तो वहां पे स्मॉल छोटी सी एक फ्लाई होती है। किचन में कभी आप लोगों ने इस चीज को देखा है ऐसे? यस मैम, सभी ने एक्सपीरियंस ये चीज की होगी कि वो फ्लाइज दिखती है आप लोगों को स्मॉल। अभी जब आप कोई चीज मार्केट से लेके आते हो उस टाइम तो वो फ्लाई आपके साथ नहीं ना आती। क्या होता है, जो फ्रूट्स, जैसे अगर हम बनाना की बात कर लें, कई बार हम फ्रूट्स लेके आते हैं जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो 13 डेज टू 14 डेज या 15 डेज का भी कभी कभी लाइफ साइकिल होता है। क्या होता है कि फ्रूट्स के जो, जैसे बनाना का छिलका होता है ठीक है, उस पे उसने अपने एग्स जो है 1 mm डीप उसके अंदर जो एग्स है वो ले किए होते हैं ठीक है। एग्स ले करने के बाद वहां पे वो उनकी लार्वल स्टेज डेवलप हो जाती है। जो लार्वल स्टेज है उसमें बाद में वही वो फ्रूट पे, कई बार कुछ चीजें ऐसी है जो अपना जो लाइफ साइकिल है बिल्कुल फ्रूट के ऊपर ही कंप्लीट करती है। वहां पे फिर उसके एग जो है वो ले करके बाद उसका लार्वल स्टेज होती है। लार्वल स्टेज वैसे ही फ्रूट को पूरा अच्छे से डैमेज कर देता है। वहां पे उसका प्यूपा स्टेज होता है ठीक है। कईयों का प्यूपा स्टेज वो चेंज हो जाता है वो, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। जैसे सपोज कुछ बहुत सारी फ्लाइज होती है वो थाउजेंड्स में एग ले करती है और थाउजेंड्स में ही वो अडल्ट की फॉर्म में आ जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। इसमें पॉसिबिलिटी होती है एक दो फ्लाइज जो है वो अडल्ट तक पहुंचती है ठीक है। तो ये देखो ये एग्स ले करती है, एग्स आर लेड इन स्मॉल क्लस्टर ऑफ 2 to 15 eggs just beneath the skin of the fruit, means fruit की skin के ऊपर इसने egg lay कर दिया। उसके बाद क्या है, egg fruit के ऊपर ही रहेंगे। अगर तो हमने खा लिया वो fruit तो ठीक है, अगर वो कहीं हमारे घर पे पड़ा रहा। आप fruit अच्छे लेके आते हो कहीं से, अच्छे अच्छे देख के fruit लेके आते हो, घर पे वो fruit पड़ा हुआ उसमें वो लार्वे कहाँ से आ जाते हैं? होता है ना, अगर गावा मैम लाइफ कर साइकिल चल लो। रही है इसमें। संतोष क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, क्लियर हुआ मैम। मैं क्या बोल रहा कि खास में जो ये जैसे कि वो क्या बोलते हैं, आरू आरू पता है ना, आरू ही बोलते हैं ना, पियर पियर हो गया हाँ क्या? हाँ, आरू हाँ आरू के अंदर अंदर जो कीड़े होते हैं ना मैम, देखा हुआ है ना, जो व्हाइट व्हाइट के होते हैं ना मैम, और वो अंदर कैसे पहुंचते? जब फ्लावरिंग के टाइम पे वो एग लेकर आएगा तो ही अंदर पहुंचेगा ना मैम, नहीं तो अंदर बाहर एग लेकर के अंदर कैसे जाएगा मैम? वो वो अंदर क्या, कीड़े होते हैं मैम। नहीं, अंदर कीड़े होते हैं ना, वो क्या होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनपे वो फ्लावरिंग की टाइम पे एग ले कर देती है और उसका जो लार्वल लार्वा होता है वो थोड़े टाइम के बाद ग्रो करता है जब वो फ्रूट की फॉर्म में आ जाता है। कुछ हाँ वही केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स है, अगर हम मैंगो फ्रूट फ्लाई की बात कर लेना, ये मैंगो, ये जो फ्रूट होता है उसी पे एग ले करता है ठीक अच्छा है। तो ये ठीक है। फिर 1.4 mm डीप एग ले करती है, फिर अंदर फ्रूट में जब बिल्कुल उसके जो लार्वल स्टेज है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम मैगट्स बोल देते हैं, वो अच्छे से पल्प को बिल्कुल अच्छे से वो फीड कर जाता है ठीक है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी की हम हमेशा ही नोटिस करते हैं कि कोई भी फ्रूट है ऊपर से ब्लैक हुआ होता है, उसको नीचे से निकालते हैं तो वहां पे वो कुछ खराबी होती है उसकी, वहां से जी अंदर उसके जो है लार्वल से, क्योंकि वहां से पिंच करने के बाद जब वो ओविपोजिशन लेती है फीमेल अपनी, तो वहां पे इंसर्ट करके अंदर वो अपने डीप एग ले करती है ठीक है, फ्रूट के ऊपर जहां से ब्लैक पोर्शन है। नहीं तो कई बार, कभी कभी वो ओविपोजिशन की वजह से वो पोर्शन वैसा हुआ होता है, कभी कभी वो माउथ, कभी वो सकिंग की वजह से या पिर्सिंग की वजह से वो पार्ट वैसा होता है ठीक है। तो कभी कभी तो कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं कि उनपे किसी चीज ने कहीं से शक किया
और कोई और इंसेक्ट वहां पे आके एग लेकर के, जैसे हम स्नेक की बात करें, स्नेक और रैट की बात करें, स्नेक कभी भी बोरिंग नहीं कर पाता, हमेशा रैट करता है। लेकिन वहां पे रहता कौन है बाद में? स्नेक रहता है। सेम फ्रूट्स के मामले में कभी कभी कुछ फ्रूट्स के ऊपर कोई और चीज ने वहां पे पिर्सिंग की होती है सकिंग के लिए सैप को, और कोई और इंसेक्ट वहां पे इंसेक्ट एग्स जो है लेकर जाता है। ठीक है, तो मैंगो क्या करता है, मैगोट्स क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। प्यूपा स्टेज क्या है, बिल्कुल अलग स्टेज होती है। इसमें जो अडल्ट एंड मैगट्स का जो फीडिंग एपिड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जिसमें भी मैगट्स कैटरपिलर होते हैं उसमें अडल्ट उतना डैमेज नहीं करता। अडल्ट ने इसमें क्या डैमेज किया है, जस्ट अपना जो एग ले करने के टाइम पे उसने वो जो एक पॉइंट सा लिया है वो किया, उसके बाद जितना डैमेज करेगा इसमें कैटरपिलर करेगा। इसमें क्या है, अडल्ट ओविपोजिशन पंचर ऑन द फ्रूट, सेम वही लाइन आ गई। अडल्ट क्या करता है, ओविपोजिशन के टाइम पे वो पंचर कर जाता है फ्रूट को। ठीक है, एंट्री टू फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैगट क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय एंड कन्वर्ट द पल्प इनटू द बैड स्मेलिंग। मैगट्स क्या डिस्ट्रॉय करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं पल्प को बैड स्मेलिंग में। ठीक है, डिसकलर्ड सेमी फ्लूड में एंड मास इनफिट अनफिट फॉर यूज। देन नेक्स्ट क्या है, फ्रूट्स डेवलप ब्राउन रॉटन पैचेस, them on fall onto the ground. Next है मैंगो स्टोन वीवर। सो मैंगो स्टोन वीवर में भी क्या है, कैटरपिलर स्टेज है, इसमें भी प्यूपा है। मैंगो लीफ माइनिंग, इसमें आपने जस्ट टू करने हैं, तो कोई भी जो फर्स्ट पे हमने टू किए मैंगो के आप वही कर लो। ठीक है, तो ये इसके स्केल इंसेक्ट है मैंगो का, मीली बग है मैंगो में। ठीक है, नेचुरल एनिमीज स्केल इंसेक्ट है, फीमेल एंटरिंग सोयल ओविपोजिशन है। फिर पेस्ट ऑफ बनाना, पेस्ट ऑफ बनाना में थ्री दिए हुए हैं, फर्स्ट है बनाना एफिड, सेकंड है बनाना रूट वीवर, थर्ड इज बनाना स्टेम वीवर। सो इसमें क्या है, बनाना एफिड का क्या है, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। नेक्स्ट है कॉस्मोप्लाइट सॉर्डिडस, नेक्स्ट इज ऑडियापोरस लॉन्गिकॉलिस। इसमें बनाना एफिड में क्या है, इसका भी सेम इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल है। जो इसका अडल्ट है वो ब्राउनिश कलर, ब्लैक वेन विंग्स होते हैं। ठीक है, एग्स ले करता है निम्फ एंड अडल्ट, किस पे करते हैं सक, जिसमें मोस्टली अडल्ट एंड निम्फ स्टेज होती है, तो निम्फ मेनली सैप सकर सकर ही होता है, तो उसमें जो अडल्ट है उसका भी फंक्शन सेम ही होगा। सेम बनाना रूट वायर वीवल है, इसमें क्या है, इसका प्यूपल एंड अडल्ट स्टेज है, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा। इसमें आप जो पॉमग्रेनेट में है, पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई है। ठीक है, स्क्वायरल अटैक है, स्क्वायरल अटैक तो आप नहीं करोगे, पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई का कर लेना। इसमें भी कंप्लीट लाइफ साइकिल है इसका, अडल्ट रहेगा। आप फोर कर लेना वेजिटेबल फ्रूट्स में, गावा मैंगो पॉमग्रेनेट एंड बनाना, और इसका आप एक एक इंसेक्ट है जो उसको आप टिप्स पे कर लेना, उसके जो डैमेज पॉइंट्स हैं, और उसके बाद जितने भी आप करोगे सभी के जो साइंटिफिक नेम है वो आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अभी ओके, एक क्वेश्चन है पोल का, इसको सॉल्व करो।